यहां ध्यान दीजिएगा, मुक्त पिंड आरेख के कुछ उदाहरण। अब मुक्त पिंड आरेख के कुछ उदाहरण का मतलब क्या है? एनीवन, कोई भी पिंड है, मुक्त है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, फ्रीडम में है। कोई भी पार्टिकल किसमें है? फ्रीडम में, स्वतंत्र अवस्था में है, मुक्त है एकदम। तो इसके एग्जाम्पल हमें बताना है। आप नंबर एक एग्जाम्पल हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल में नंबर एक हेडिंग डालिए ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति कौन गति? ऊर्ध्वाधर गति, ठीक बाबू, ऊर्ध्वाधर गति। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। उदाहरण, अरे अब तुम लोग हिंदी से प्रॉब्लम में हो, हिंदी इग्नोर करना चाहिए। साइंस पढ़ते हो, यदि हिंदी मान लीजिए आपका कहीं गलत हो गया, मात्रा गलत हो गया, तो उसके पीछे लगे रहोगे तो साइंस क्या पढ़ोगे। चलिए उदाहरण, ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल मोशन। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल मोशन में, अब इसका मतलब ऊर्ध्वाधर गति, कोई पिंड जो है ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, ठीक। कोई पिंड क्या बाबू? कोई पार्टिकल ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है। तो भैया कुछ जनी बोलत है और जोन की बहुत बुरा लागत हमने, अगर आधा घंटा की बात बा तो कम से कम आधा घंटा शांत रहिए भैया, कुछ तो पढ़ ले वगैरह। अरे जिसे ना मना कहा था, माना था कि ना मना कहा था पढ़े के, लेकिन जब कुछ मेहनत करवा जरूर एक दिन मन कहे लगी। कहना फालतू जोन है यार, कितना समय ये रहा था जोन तोरे सब इतना ना। चलिए आप लोग ये फिगर बना लीजिए, सर्वत्र सम रस्सा, द्रव्यमान इसका यम है। ये फिगर बनाइए, इसमें अब इस पे चर्चा करना बाबू, ठीक, इतना आसान भी नहीं है। सर्वत्र सम रस्सा, द्रव्यमान क्या है उसका? यम। विकास, ये द्रव्यमान इसका, इस पिंड का M1 है, इस पिंड का क्या है बाबू? M2 है। हम देख रहे हैं कि ये पिंड ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है? F। फोर्स कितना लग रहा है? F। बहुत सारी बातें सोचना पड़ेगा। इसका मतलब रस्से का द्रव्यमान क्या है? रस्सा भी तो कुछ वजन होगा, तो रस्से का द्रव्यमान क्या है? M है। इस पिंड का द्रव्यमान क्या है? M1 है। इस पिंड का द्रव्यमान क्या है? M2 है। इसका मतलब ये है कि इस पिंड से ये पिंड यदि लटकाया गया तो इस रस्से में तनाव होगा, पक्का है। इस रस्से में क्या होगा? तनाव। इसका मतलब खिंचाव है तो तनाव है। तो इस रस्से में जो तनाव, मतलब तनाव बल एक प्रकार से कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तनाव बल है। अब यहां ध्यान दीजिए, यदि तनाव बल है तो आपसे कोई कह दे कि बल बाबू क्या होता है? यम बराबर यमे होता है। बल एफ बराबर क्या होता है? यमे होता है। हम आपसे ये कह देते हैं कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड
यम द्रव्यमान के क्या एक कार्यरत रस्से से जुड़े गए हैं, एक कार्यरत रस्से से जुड़े गए हैं, एक नियत परिमाण का बल या पिंड M1 पर ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है बाबू? ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है। तो अब पिंडों के त्वरण रस्से के भिन्न बिंदुओं पर हम तनाव बल भी देखेंगे। क्या देखेंगे? तनाव बल भी देखेंगे। यदि हम तनाव बल इसमें देखें, क्या देखें? तनाव बल। तो बाबू तनाव बल के लिए आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि पिंड M1 का मुक्त आरेख कितना होगा। मतलब मुक्त आरेख के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि वो यदि वो एक मिनट के लिए स्वतंत्र मान लो उसको, तो एक अलग फिगर लेके वो चलना चाहेगा। तो मुक्त के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये पिंड है, किसका? M1 का। खड़ा कर देंगे तुरंत बाबू, अभी ना बोलिए, इतना आसान भी नहीं होता है। ये बल आपका F है, M1 है ना। अब ये ऊपर की तरफ M1 एक काम कर रहा है यार, क्योंकि बल पूरा M A होता है। बल F बराबर क्या होता है? M A होता है। तो द्रव्यमान M1 है, इसलिए M1 है। इसलिए क्या वो भी ऊपर की तरफ काम करेगा। रस्सा ये है, अब इसका रस्से में तनाव बल है क्या? टी है। अब नीचे की तरफ पृथ्वी जब खींचेगा तो इसका द्रव्यमान M1 है और गुरुत्वीय त्वरण तब क्या होगा? जी होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? जी होगा। इतना समझ में आया? चलिए, एक खंड तो ये हो गया इसका। इसके बाद रस्से के ऊपरी आधे भाग का मुक्त पिंड आरेख यदि ज्ञात करना चाहो, आधा भाग का मतलब क्या होता है? ये समझ में तभी आएगा जब बराबर देखते रहोगे। इतना आसान चीज ये नहीं है ये, ठीक। अब यहां से आधे भाग के लिए मान लीजिए आपको हम ये दिखाते हैं, ये रस्सी, ठीक। ये क्या है? यहां दिखाता है, ये क्या है? रस्सी। चलो भैया आधे भाग के लिए, अब यहां से ये रस्सी हो गया, इसका तनाव बल ऊपर की तरफ P लग रहा है, इतनी समझ ध्यान दीजिएगा। और नीचे की तरफ हम मान लेते हैं T डैश लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? T डैश लग रहा है। तो नीचे की तरफ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर आधा क्या होगा? इसका द्रव्यमान M था ना, लेकिन आधे के लिए M बाई 2 जी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से इसका कितना होगा? M बाई 2 जे होगा, क्योंकि देखिए आधा नीचे भी तो बल लग रहा होगा रस्सी में और आधा ऊपर की तरफ लग रहा होगा। आधा नीचे की तरफ जब लगेगा तो पूरा द्रव्यमान यम है रस्सी का, पूरा द्रव्यमान क्या है? यम है बाबू। तो इसका भार जब नीचे काम करेगा, नीचे पृथ्वी की तरफ, तो गुरुत्वीय त्वरण चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ही बताइए। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे काम कर रहा है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यदि नीचे काम कर रहा है तो M by 2 G होगा। ये बाबू इसका आधा M by 2 G होगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ भी तो तनाव बल लग रहा होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। देखो ये पिंड उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, तो इसका मतलब आधा आधा जो लग रहा है M by 2 और त्वरण क्या? इतनी बात सबको समझ में आई? एक T ऊपर, एक T डैश नीचे, और दोनों ही तनाव बल है, दोनों ही क्या है? तनाव बल है, ठीक। चलिए ये ए है, ये फिगर हम मान लेते हैं बी है एक सेकंड के लिए। चलिए यदि ये हो जाए, इसके बाद कंडीशन, अभी कंडीशन खत्म नहीं होगा इसका। इसका कंडीशन मान लेते हैं कि रस्से के निचले आधे भाग का मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख। अब बहुत आधे निचले भाग का, आधे निचले भाग का हमें क्या बता देना है? तो आधे निचले भाग के लिए अब फिर देखिए बाबू, तबाही है अगर ध्यान से ना समझा। ये देखा आधे आधे मतलब यहां पहुंच रहा है इटी डैश है ना, तो इटी डैश अब ऊपर, और हम नीचे मान लेते टी डबल डैश, और मान लेते टी डबल डैश। ये देखिएगा एम टू बाई ए, और ये क्या एम टू बाई ए भी। इसको समझो कैसे, क्योंकि जो आधा पार्ट बचा हुआ है उसका देखिए कुछ भाग जो टी डैश, अब टी डैश का जो भाग बचा है
उसी चीज है, स्वामी कुछ भाग तो है जो ऊपर काम करेगा और कुछ भाग है जो नीचे काम करेगा। फिर आधा आधा लिए इसका m by 2g और m 2a क्या ऊपर काम कर रहा है। अभी कंडीशन नहीं पूरा हुआ, अभी कंडीशन तब पूरा होगा। ये तो c फिगर हो गया, d फिगर देखिए, यहां देखिएगा। अब आपका ये आ गया m2 द्रव्यमान, कौन सा m2 ऊपर की तरफ m2a, ठीक नीचे की तरफ दुनिया जानता है और साथ में आप भी जानते होंगे, ठीक m2g, ठीक यहां देखिएगा और ऊपर की तरफ यहां t डबल डैश, क्योंकि अब t डबल डैश के बाद इसका नंबर आया है। मतलब इसी एक फिगर को हम इतने टुकड़ों में बांट दिए। तो का वैज्ञानिक वैसे बनवाइए रहा, ऐसे ना समझा पढ़ाई पाई बहुत, और ना पढ़ पाई बात मिसाइल मान लिया घरे भिजोल लाग रहा तो बैठ गया है। चला देखा बाबू, M1 M2 देखिए दो पिंड है, दोनों के बीच रस्सा है, ठीक इसका द्रव्यमान M है, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है। ये ऊपर की तरफ बल लग रहा, फोर्स लग रहा है यार, ठीक ये पूरा पूरा आपका फिगर है। इसके बाद हम लोग विचार करने के लिए इस पर, इसको सर्च करने के लिए जब यहां देखते हैं कि एक पिंड उठा लिए इसको, इसके बारे में पहले जिक्र होता है। तो M1A बाबू M1A द्रव्यमान त्वरण, इससे ये ऊपर जाएगा क्योंकि यह बराबर M होता है, लेकिन द्रव्यमान M1 था इसलिए M1। अब ये नीचे कितना भार काम कर रहा होगा उसका M1G यार, M1 क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे काम करेगा तो M1G। तनाव बल कितना, इस पहले वाले फिगर से संतुष्ट हो कि नहीं, इस पहले वाले फिगर से, पहले ये बताओ, पहले वाले फिगर से कोई प्रॉब्लम किसी को, हिमांशु तुम्हें दिक्कत है? देखिए कहीं ना कहीं से आप इसको बल दिए तभी ऊपर जा रहा है, नहीं तो बिना वाह बल लगाए इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा नहीं है जो ऊपर चला जाए। कुछ है ऐसा क्या? ठीक तो इसका मतलब यह है कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा आपके कारण, तो इसलिए M1 आगे बोलो। हाँ, ये तो पृथ्वी खींच रही है उसको, ठीक तनाव बल है किसमें, रस्सी में, क्योंकि ये कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर जी जब कट ईवा तब तो उड़े लाग रस्सी है इसका मतलब कुछ नहीं, इशू कह सका था? नहीं बाबू, हम वही कंडीशन में बताओ थे, सर्चिंग का मतलब ऐसे ही सर्च किया जाता है, ये नहीं कि आप इसको भूल जाओ कि इससे नीचे द्रव्यमान है, आप दिमाग में रखो उसको, आपको समझाने के लिए इतने टुकड़े कर रहे हैं उसका हम, कंफर्म? फिर हम क्या किए बाबू, रस्सी के बारे में आ गए, रस्सी के बारे में भी सोचना है हमें, ठीक जैसे यदि आप किसी कुएं से बाल्टी बांध के रस्सी से पानी निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, पानी, तो रस्सी में क्या होता, तनाव होता कि नहीं होता? अच्छा ये बताओ जो भाग तुम हाथ से पकड़े हो, जो भाग तुम हाथ से पकड़े हो, तो जो हाथ से पकड़े हो उसमें तनाव बल तुम भी तो दे रहे हो, वो ये आया। फिर आधे भाग में, पहले आधे भाग में, रस्सी के आधे भाग में, रस्सी के पूरा देखिए, रस्सी के आधे भाग में यदि देख रहे हैं तो देखिए यहां यहां तक रस्सी, इधर देखो यहां तक ये तनाव टी डैश, यहां टी, फिर यहां से चलना प्रारंभ किए, ये बाल्टी है, द्वार क्या है, बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब यहां टी डबल डैश, इसका मतलब ये है कि जब हम टी से टी डैश तक पहुंच गए हैं तो ये मेरा बल काम कर रहा है वहां तक, रस्सी का आधे दूरी तक तो हर बला ना काम करी बबुआ, ठीक
तो इसका मतलब लगभग मान लीजिए तो यहां तक बल काम कर रहा था पूरा द्रव्यमान m बाई टू जी m बाई टू ये हो जाए, ये ऊपर ये नीचे, इतना समझ में आया, यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां से फिर नीचे बाल्टी तक जाएंगे ना, अब बाल्टी तक जाएंगे बाबू, मतलब m2 द्रव्यमान तक जाएंगे, बाल्टी का मतलब m2 द्रव्यमान तक जब जाएंगे तो हम क्या किए, हम यही किए जो करना चाहिए था, m2g नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ। अब टोटल 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 बाल्टी लाई के अभी तक तो रस्से में पहुंच गए पूरा बाल्टी तक चूल्हे तक, फिर अब बाल्टी को लेकर, बाल्टी मतलब m2 द्रव्यमान को लेकर, अब m2 द्रव्यमान को लेकर जब दिखाया गया तो टी डबल डैश ऊपर की तरफ क्योंकि रस्सी उसको खींच रही है, इस m2 ये m2 जी नीचे की तरफ। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया ये फिगर? हाँ उसका जो ऊपर वाला आधा भाग है हाँ उसमें ये काम कर रहा है ना, आधा हम खींच रहे हैं तो नीचे ये काम करेगा। हाँ ऊपर तभी त्वरण a लगेगा क्योंकि तुम खींच रहे हो उसको। हाँ m by 2g है नीचे की तरफ भैया, यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं है ये, मतलब हाँ ये जो कह रहे हो, ये कह रहे हो ना, ये ऊपर से देखिए बाल्टी यहाँ भी तनाव बल लगाएगी ना, जब यहाँ से तनाव बल लगेगा तभी तुम्हारे हाथ तुम्हारा खुद बताएगा कि तनाव बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब ये नीचे की तरफ लगेगा लगेगा, अब जब तू खींचत है आएगा इसी रस्से में इसका भी बल लग रहा है, इसी रस्से में तुम्हारा भी बल लग रहा है, तो इसलिए आधा इसका दिखा दिए। यदि यदि बाल्टी टूट जाए तो m2 by a ना दिखाए, इसका मतलब उस बाल्टी को कौन उठाया है, तुम्हारा बल, इसलिए नीचे की तरफ m2 by a ऊर्ध्वाधर की तरफ ले जा रहा है इसको। और जिसको भी कहीं भी प्रॉब्लम है फिगर में वो प्लीज पूछ सकता है। सर ये ऐसे नहीं हो सकता, टी से लेकर के टी डैश तक ऊपर की तरफ और टी डैश लेकर टी डबल डैश तक। अच्छा ये बताओ यदि एक ही रस्सी में ठीक आधे भाग में ऊपर की तरफ काम कर रहा है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब है उतना भाग तो इससे निकल जाना चाहिए उसको, इसका मतलब बाल्टी का कोई तनाव बल आधे भाग पे नहीं लग रहा ना और आधे भाग पे लग रहा ना, तुम्हारे हाथ में वो रस्सी है आधे भाग के ऊपर है वो, इसका मतलब है तुम्हें भार का पता ही नहीं चलेगा, भार महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि तुम तो ये जानते हो कि तुम खुद कह रहे हो कि आधी रस्सी पे कोई बल नहीं लग रहा, आधे पे लग रहा, ऐसा हो सकता कभी? नहीं हो सकता। और एनीवन कोई कुछ पूछना चाहो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार। पूछना ये है कैसे बनाए थे बोलो चंद्रेश, तुम्हें पूछना है कुछ और किसी एनीवन किसी को नहीं पूछना है? आप कंफर्म हो गए, टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है, टाइम हो गया तो चलिए। अब सुनिए, अब ये कंफर्म होने के बाद अभी ये बताना है कौन किसके बराबर बल है, कौन किससे कम है, कौन किससे ज्यादा है, ये सब घटा जोड़ के बताया जाएगा ठीक। इसलिए आज समाप्त है, फिर कल मिलते हैं, आज फिगर बना लो।